एक ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सामने आया जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। अब कोशिश करूंगी इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं कि वो खुशखबरी क्या है। सबसे पहले बता दूं कि जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है अब उनको सरकार 5 मरला जमीन देगी लीज पे। और क्या कुछ फॉर्मेलिटीज उसके लिए रहेंगी, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या कितने पैसे आपको देने हैं उसके लिए, और कितनी देर के लिए आपको वो लीज पे मिलेगी लैंड, और कितनी देर में अगर आप उस पर घर नहीं बनाएंगे तो आपकी वो लीज कैंसिल हो जाएगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 मरला जमीन जो सरकार दे रही है लीज पे उन लोगों को जिनके पास लैंड नहीं है और जो अंडर आते हैं PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आते हैं या आवास प्लस बेनिफिशरीज के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो 5 मरला जमीन है लीज पर मिलने वाली है, कौन कौन सी कैटेगरीज रहेंगी, कौन कौन से लोगों को मिलेंगी बता दूं। सबसे पहले जो लोग स्टेट लैंड पे रह रहे हैं या फिर फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं या रक्स या फार्म्स में रह रहे हैं या कस्टोडियन के अंतर्गत उनकी कोई जमीन आती है या फिर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दच्चीगाम के पास किसी एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए जो जमीन दी हुई है जहां पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, या कोई और केस की कैटेगरी जो कि एलिजिबल होगी प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत और उनके पास लैंड नहीं होगी कंस्ट्रक्शन के लिए, उन लोगों को ये जमीन दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से तमाम जो डीसीज हैं उनको ये ऑर्डर जारी किया गया है कि 5 मरला जमीन आप जिसको भी देंगे स्टेट लैंड गाइडलाइंस के अंतर्गत देनी है। गाइडलाइंस क्या कुछ हैं? पहली, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है अब किसको आप बताओगे कि ये लैंडलेस है, जैसे कौन एलिजिबल है या कौन लैंडलेस है, ये आप कैसे देखोगे? तो आपको सबसे पहले लैंडलेस समझ आना चाहिए कि कौन सा शख्स लैंडलेस गिना जाएगा और उसको ये बेनिफिट मिलेगा। लैंडलेस वही होगा जम्मू कश्मीर में जिसके पास डोमिसाइल होगा, जिसकी जो सेपरेट रहता होगा अपनी फैमिली के साथ, और कोई भी जमीन उसके या फिर उसके घर वालों के लिए के नाम पर नहीं है। हो गया एक। दूसरा, जो कंसर्न डीसी है वो 5 मरला स्टेट लैंड देगा PMAY बेनिफिशरीज को लीज पे, और कौन सी लिस्ट है जो देखी जाएगी, जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट है 2018-19 की जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सर्वे किया था वो इसमें देखी जाएगी। अब टोकन अमाउंट क्या होगा जो लीज पे लिया जाएगा? लीज पे जब आप को लैंड मिलागा तो आपको पेमेंट देना है 100 रुपये पर मरला वन टाइम प्रीमियर के हिसाब से। एक नॉमिनल अमाउंट देना है, 1 रुपया प्रति मरला पर एनम देना है जो कि आपका ग्राउंड रेंट होगा। अब ये लीज वाली लैंड आपको 40 साल के लिए मिलेगी, और अगर कोई शख्स इन दो दो सालों में, मतलब जब उसको लैंड मिल जाएगी उन 2 सालों में अगर वो वहां पर घर नहीं बनाता है तो उसकी लीज कैंसिल कर दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं वो वेरीफाई करेंगे केस की कौन कौन सही मायने में जेन्युइनली इसके लिए एलिजिबल है। डीसी को फॉरवर्ड करेंगे, डीसी आगे एक तहसीलदार को फॉरवर्ड करेगा, और जो तहसीलदार है उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है जमाबंदी गिरदावरी और राशन कार्ड वगैरह वो सब चीजें देखेगा। तो इस प्रोसीजर के साथ जो है आपके पास अगर जमीन नहीं है आपको सरकार 5 मरला जमीन देगी 40 साल के लिए। पहले तो आपको उसके लिए समझना है कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है। उम्मीद है ये ऑर्डर पूरी तरह से समझाने में मैं कामयाब हुई होंगी। फिलहाल इस लाइन में इतना ही, देखते रहिए।